I am your guide and tutor, Dr. Manoj Pipalwar. Today, we are going to discuss a new lesson of senior secondary examination, that is the last lesson, composed by Alphonse Daudet, who was born in 1840 and died in 1897. Let's discuss the lesson. ये जो स्टोरी दे रखी है ये फ्रांस के अल्सास और लोरेन की है। अल्सास और लोरेन में जिस समय की कहानी बताई गई है उस समय जर्मनी का कब्जा था, जर्मनी रूल करती थी उस एरिया पे। तो देखिए, एक लड़का है जिसका नाम है फ्रेंच, वो स्कूल के लिए घर से निकलता है, उसे स्कूल के लिए लेट हो रही थी और वो डरा हुआ था। एक तो स्कूल के लिए लेट होने के कारण डरा हुआ था, दूसरा उनके फ्रेंच टीचर एम हेमल ने उनसे कहा था स्टूडेंट से कि नेक्स्ट डे उनसे ग्रामर के टॉपिक पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ पूछेंगे और फ्रेंच को उनके बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो डरा हुआ था। एम हेमल एक स्ट्रिक्ट टीचर थे और विद्यार्थी उनके स्ट्रिक्ट नेचर से डरते थे। और जो ही वो निकला, 100 मील के पीछे परेड की आवाज आ रही थी, सनी डे था, बर्ड्स चिरपिंग कर रहे थे और उसका मन किया स्कूल को छोड़ दिया जाए, बंक किया जाए और बर्ड एग्स को देखने के लिए या बर्ड एग्स को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट एरिया में चला जाए। आखिर में उसने अपने मन को कंट्रोल किया और स्कूल के लिए निकला। जनरली जब स्कूल लगी होती थी तो स्कूल में बहुत शोरगुल होता था, बहुत हस्टल और बस्टल होती थी, डेस्क खोलने और बंद करने का साउंड होता था, लेसन को रिपीट करने का साउंड होता था। जबकि उस दिन जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा सब कुछ साइलेंट था, एवरीथिंग वाज एज साइलेंट एज ऑन संडे मॉर्निंग। सब कुछ उतना शांत था जितना सामान्यतः रविवार की मॉर्निंग को होता है जब छुट्टी होती है। जो ही वो टाउन हॉल से गुजरा, बुलेटिन बोर्ड के सामने भारी भीड़ लगी हुई थी। जनरली उन्हें सारी न्यूज बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी, लॉस्ट बैटल्स की सूचना, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स की सूचना, सारी न्यूज उन्हें वहीं से मिलते थे। पर आज क्या नया लगा दिया, ये क्वेश्चन फ्रेंच के दिमाग में उठा। जब उसने खिड़की से देखा तो अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, एम हेमल अपनी आम के नीचे आए अपने आयरन रूलर को दबाए हुए कमरे में अप एंड डाउन टहल रहे थे। डरते हुए उसने गेट खोला तो आशा से अपोजिट, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे उल्टा, एम हेमल ने प्यार और दया से कहा, जल्दी करो छोटे फ्रेंच, अपनी सीट पर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू कर रहे हैं। जब वो अपनी बेंचेस के ऊपर से कूदता हुआ अपनी सीट के लिए निकला तो उसने देखा कि रूम की जो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली पड़ी होती उन पर गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। अब ये बात उसे और भी सरप्राइजिंग लगी कि ये बूढ़े लोग और बुजुर्ग लोग, बड़े लोग क्यों आए हैं। फिर एम हेमल ने उन्हें बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, कि वहां से एक ऑर्डर आया है कि अगले दिन से स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, कोई फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग नहीं होगी। और इस न्यूज ने सब पर जैसे बिजली सी गिरा दी, सब उदास हो गए। उन्हें लगा कि आज तक उन्होंने अपनी लैंग्वेज को सीरियसली सीखा क्यों नहीं। एम हेमल ने बताया कि हम हमेशा अपने लर्निंग को पोस्टपोन करते रहे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अब देखिए सब कुछ खत्म हो गया है। इसी विचार श्रृंखला में वो आगे बताता है कि आज उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, ये लेसन उसका लास्ट लेसन है। ये सुनकर फ्रेंच, जिसने कभी भी अपनी स्कूल, टीचर और बुक्स को पसंद नहीं किया था, अचानक उसे बुक्स पुरानी फ्रेंड जैसी लगने लगी, टीचर भी उसे अच्छा लगने लगा और स्कूल से भी अचानक उसे प्यार हुआ है। एम हेमल ने पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाना शुरू किया। ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग द विलेजर्स लिसन टू हिम वेरी केयरफुली। गांव वालों के सहित विद्यार्थियों ने ध्यान से उसे सुना। उसने बच्चों के फ्रेंच न सीखने पर बच्चों के माँ बाप को और खुद को भी दोष दिया। उसने बताया कि माँ बाप बच्चों को पढ़ने की बजाय थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे के लिए बच्चों को खेतों पर या मिल में काम करने के लिए भेज देते हैं। उसने खुद को भी दोष दिया कि वो अक्सर बच्चों को पढ़ने की बजाय पौधों में पानी डालने के लिए भेज देता था। जब उसे फिशिंग के लिए जाना होता था वो बच्चों को हॉलीडे दे देता था। उसने स्टूडेंट्स और गांव वालों से प्रार्थना की कि अपनी मदर टंग को सहेज के रखे, उसकी रक्षा करे,
क्योंकि मदर टंगाने का मतलब है कि आपके पास उस जेल की, उस प्रिजन की चाबी है जिसमें आपको बंद किया जाता है। उसके बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अलग अलग बातें बताता रहा। उसने बच्चों को इस प्रकार पढ़ाया जैसे सब कुछ एक ही पल में समझा देना चाहता हो, एक ही स्ट्रोक में सब कुछ उनके दिमाग में डाल देने वाला हो। फिर उसके बाद बच्चों को राइटिंग लेसन दिए गए, कर्सिव में लिखा हुआ था अलसास फ्रांस, और उसने लिखा, बच्चों ने लिखना शुरू किया। कमरे में ब्लैक बीज यानी भंवरे उड़ते हुए आए लेकिन बच्चों ने उनको नोटिस नहीं किया। तभी छत पर कबूतर कूकने लगे, लेकिन फ्रेंच के दिमाग में एक आया, क्या जर्मन वाले पिजन्स को भी जर्मन बोलने के लिए फोर्स करेंगे? परंतु यह असफल था। वो सोचता है कि किसी भी स्कूल में केवल लैंग्वेज लाद देने से मदर टंग को रिप्लेस नहीं किया जाता, मदर टंग नेचुरली लोगों के पास आती है। फिर जब चर्च क्लॉक ने 12 स्ट्राइक किया, 12 बजाए, एम हेमल खड़ा हो गया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसका गला रुंध चुका था। उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर ब्लैक बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में वाइल ऑफ फ्रांस या फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे लिखा। उसके बाद वो जब बोलने में असमर्थ रहा, वो दीवार की तरफ मुड़ा, दीवार पर सर लगा लिया और हाथ के इशारे से विद्यार्थियों से कहा कि कक्षा खत्म हो चुकी थी और वो लोग जा सकते थे। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द नैरेटर स्केयर्ड, नैरेटर क्यों डरा हुआ था ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, उस सुबह स्कूल जाने से। सीधा आंसर, द नैरेटर वाज वेरी लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए नैरेटर को बहुत देरी हो गई थी दैट मॉर्निंग, उस सुबह। मोरओवर इससे ज्यादा एम हेमल हैड आस्क्ड द स्टूडेंट्स, एम हेमल ने विद्यार्थियों से कहा था टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल पर एक लेसन तैयार करने के लिए। बट ही डिड नॉट प्रिपेयर इट, परंतु उसने इसे प्रिपेयर नहीं किया था। देयरफॉर इसीलिए ही वाज स्केयर्ड, वो डरा हुआ था ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से दैट मॉर्निंग, उस सुबह। नेक्स्ट मंथ व्हाट डिड फ्रेंच सी, फ्रेंच ने क्या देखा एज ही पास्ड द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल से गुजरा। सीधा आंसर, व्हेन फ्रेंच पास्ड द टाउन हॉल, जब फ्रेंच टाउन हॉल से गुजरा, ही सॉ, उसने देखा अ लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने या नोटिस बोर्ड के सामने। द बुलेटिन बोर्ड प्रोवाइडेड देम, बुलेटिन बोर्ड उन्हें प्रोवाइड करता था न्यूज अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में सूचना। स्टूडेंट रेड द न्यूज ऑफ द लॉस्ट बैटल्स, विद्यार्थी हारे हुए युद्धों की सूचना पढ़ते थे, एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश पढ़ते थे। सी द नेक्स्ट वन, व्हाई डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्यों कहा दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन, कि ये उसका अंतिम पाठ था। सी द आंसर, एम हेमल सेड दैट, एम हेमल ने कहा कि इट वाज हिज लास्ट लेसन, ये उसका अंतिम लेसन था, बिकॉज क्योंकि ही वाज अ फ्रेंच टीचर, वो एक फ्रांसीसी भाषा का अध्यापक था, एंड एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, और एक बर्लिन से आदेश आ गया था दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अलसास एंड लोरेन, अलसास और लोरेन के स्कूलों में फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड फ्रेंजेज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज बुक्स एंड एम हेमल चेंज, अपनी बुक्स और एम हेमल के प्रति जो फ्रेंच का एटीट्यूड था वो क्यों चेंज हुआ? सीधा आंसर, फॉर्मरली पहले फ्रेंच डिड नॉट लिसन, फ्रेंच सुनता नहीं था टू हिज टीचर अटेंटिवली, अपने अध्यापक को ध्यान से, बट नाउ, पर अब ही लिसन टू हिम क्वाइट अटेंटिवली, वो उसे बहुत ध्यान से सुनता था। हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर इंक्रीज, अपने अध्यापक के प्रति उसका सम्मान बढ़ गया था। ही बिगेन टू लव हिज स्कूल एंड बुक्स, वो अपने स्कूल और बुक्स से प्यार करने लगा था। नेक्स्ट वन, व्हाई हैड फ्रेंच नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल, फ्रेंच स्कूल में ज्यादा क्यों नहीं सीख सका? सीधा आंसर, फ्रेंच हैड नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल, फ्रेंच स्कूल में ज्यादा नहीं सीख सका
बिकॉज क्योंकि ही वेस्टेज हिज टाइम, वो अपना समय बर्बाद करता था फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने में, और गोइंग स्लाइड और फिसलने के लिए जाने में ऑन द सार, सार के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ स्टडी, पढ़ने के बजाय, हिज बुक्स सीम टू हिम, उसकी किताबें उसे लगती थी ए बिग न्यूसेंस, बहुत बकवास। या नेक्स्ट वन, व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सी द आंसर, एम हेमल लव फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच, एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत प्यार करता था, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच दुनिया में सबसे खूबसूरत भाषा है, इट इज द क्लियरेस्ट, ये सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तार्किक भाषा है। सी द नेक्स्ट वन, हाउ डिड एम हेमल बिड फेयरवेल, एम हेमल ने अलविदा कैसे कहा टू हिज स्कूल, अपनी स्कूल को, सी द आंसर, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घंटी ने 12 बजाए, एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़ा हो गया, ही ट्राइड टू से समथिंग, उसने कुछ कहने की कोशिश की, बट ही वॉज ओवरकम विद इमोशंस, परंतु भावनाओं ने उसे रोक दिया, ये वो भावनाओं के काबू में आ गया, ही रोक, उसने लिखा वाइल्ड लव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे, ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, एंड डिसमिस द क्लास, और क्लास को डिसमिस कर दिया विद द गेस्चर ऑफ हैंड, हाथ के इशारे से। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज द डे ऑफ सरप्राइज, या आश्चर्य का दिन था फॉर फ्रेंच, फ्रेंच के लिए, व्हाट सरप्राइजेस डिड ही नोटिस, उसने क्या सरप्राइजेस देखे एट स्कूल में दैट डे, उस दिन, सी द आंसर, इट वॉज द डे ऑफ सरप्राइजेस, ये आश्चर्यों का दिन था फॉर फ्रेंच, फ्रेंच के लिए, बिकॉज क्योंकि ही नोटिस, उसने ध्यान दिया मैनी अनयूजुअल थिंग्स, बहुत सी अजीबोगरीब चीजों पर एट स्कूल, स्कूल में दैट डे, उस दिन, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन द स्कूल, स्कूल में पूर्ण शांति थी, एज इफ इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, जैसे कि ये रविवार की सुबह हो, द स्टूडेंट्स वर सिटिंग, विद्यार्थी बैठे हुए थे इन देयर सीट्स, अपनी सीटों पर, एंड मिस्टर एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर एम हेमल क्लास में अप एंड डाउन मूव कर रहे थे विद हिज रूलर अंडर हिज आर्म्स, अपनी बाजू के नीचे अपना रूलर लेकर, बट इंस्टीड ऑफ स्कोल्डिंग हिम, परंतु उसे डांटने की बजाय, एम हेमल आस्क्ड हिम, एम हेमल ने उससे कहा वेरी क्वाइटली, बहुत ही शांति से, काइंडली भी यूज कर सकते हैं आप, टू गो टू हिज प्लेस, और टू गो टू हिज सीट, अपनी सीट पर जाने के लिए, फ्रेंच वॉज सरप्राइज, फ्रेंच आश्चर्यचकित था टू फाइंड हिम सो जेंटल एंड सीरियस, उसे इतना दयालु और गंभीर पाकर फ्रेंच को बड़ा आश्चर्य हुआ था। एम हेमल वॉज इन हिज बेस्ट सरमोनियल ड्रेस, एम हेमल अपनी त्योहारों और फंक्शन पर पहने जाने वाली सबसे अच्छी ड्रेस में था। देयर वॉज नो साउंड, वहां कोई आवाज नहीं थी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, खोलने और बंद करने की ऑफ डेस्क, डेस्क को, एंड लेसन्स बीइंग रिपीटेड, या पाठों के दोहराने की। सम विलेजर्स वर सिटिंग, कुछ गांव वाले बैठे हुए थे ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास, क्लास की पीछे की सीटों में, विच यूज्ड टू बी रिमेन एम्प्टी, जो खाली रहा करती थी। एवरीवन लुक्ड सैड एंड सीरियस, हर व्यक्ति उदास और गंभीर नजर आ रहा था। ऑल दीज थिंग्स सरप्राइज फ्रेंड्स, इन सारी चीजों ने फ्रेंच को आश्चर्यचकित कर दिया। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच हेटेड स्कूल एट फर्स्ट, शुरू में फ्रेंच स्कूल से नफरत करता था, बट ही सडनली बिगेन टू लाइक इट, परंतु उसने अचानक इसे पसंद करना शुरू कर दिया। कमेंट, इस पर टिप्पणी कीजिए। सी द आंसर, फ्रेंच वॉज वेरी केयरलेस अबाउट हिज स्टडी, फ्रेंच अपनी स्टडी के प्रति बहुत लापरवाह था। ही लव टू गो, वो जाना पसंद करता था इन सर्चिंग फॉर बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों की खोज में, एंड स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार क्षेत्र में स्लाइड करने के लिए। हिज बुक्स, उसकी जो किताबें हैं,
सिम ए न्यूसेंस टू हिम, उसे बड़ी बकवास लगती थी, एंड ही फाउंड इट टू हार्ड, और उसे बहुत कठिन लगता था टू लर्न हिज लेसन, अपने पाठ को याद करना. बट वेन ही लर्न, परंतु जब उसने जाना, दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन से, दे वुड बी टॉट जर्मन इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. एंड हिज टीचर वॉज गोइंग अवे, और उसका टीचर जा रहा था फॉर एवर, सदा सदा के लिए. ही रियलाइज हिज केयरलेसनेस, उसे अपनी लापरवाही का एहसास हुआ टुवर्ड्स हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई के प्रति. सडनली ही बिगेन टू लव, अचानक वो प्यार करने लगा हिज बुक्स, अपनी किताबों से, स्कूल एंड टीचर, स्कूल और अध्यापक से. ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि ही कुड नॉट गिव देम अप, वो उनको छोड़ नहीं सकता था. ही लिसन्ड टू हिज टीचर वेरी अटेंटिवली, वो अपने अध्यापक को बहुत ध्यान से सुनता था. इट सीम्ड, ऐसा लगता था एज इफ, जैसे कि ही वॉन्टेड टू लर्न एवरीथिंग, वो सब कुछ सीख लेना चाहता हो इन हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम लेसन. सी द लास्ट क्वेश्चन, ड्रो अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एन हेमल, एन हेमल का चरित्र चित्रण कीजिए. सी द आंसर, एन हेमल इज ए फ्रेंच टीचर, एन हेमल एक फ्रांसीसी भाषा का अध्यापक है. ही इज डिवोटेड टू स्टूडेंट्स एंड स्कूल, वो विद्यार्थियों और स्कूल के प्रति समर्पित है. इन द बिगनिंग, शुरू में, ही अपीयर्स टू बी ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर नजर आता है. हु ऑलवेज कीप्स ए रूलर, जो हमेशा एक रूलर रखता है इन हिज हैंड, अपने हाथ में. ही स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट टू हिज स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के प्रति उसका जो कठोर ट्रीटमेंट है, मेक्स हिम अपीयर टू बी हार्ड टेम्पर्ड, उसे हार्ड टेम्पर्ड एंड डीडफुल और भयानक दिखाता है. ही इज ए पैट्रियट, वो एक देशभक्त है. ही इज फिल्ड, वो भरा हुआ है विद सोरो, दुख से. व्हेन ही कम्स टू नो, जब उसे पता चलता है दैट जर्मन विल बी टॉट, कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन स्कूल्स, विद्यालयों में, इन प्लेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के स्थान पर. ही रिक्वेस्ट पीपल, वो लोगों से प्रार्थना कर टू स्टिक टू देयर मदर टंग, कि वो अपनी मातृभाषा से चिपके रहे या मातृभाषा से जुड़े रहे. एज इट कैन हेल्प देम, क्योंकि ये उनकी मदद कर सकती है टू रिगेन देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता पूरे पाने में फ्रॉम द फॉरेन रूल, विदेशी राज से. ही लव्स हिज लैंग्वेज, वो अपनी भाषा से प्यार करता है. एंड एडमायर्स इट, और इसकी प्रशंसा करता है. ही डिक्लेयर्स, वो घोषणा करता है दैट की फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच विश्व में सबसे सुंदर और तार्किक भाषा है. ही इज अ पेशेंट मैन, वो एक धीरज वाला आदमी है. ही टीचेज, वो पढ़ाता है इवन हिज लास्ट लेसन, अपना अंतिम पाठ भी, विद ग्रेट पेशेंस, बहुत धीरज के साथ. ही इज एन इमोशनल मैन, वो एक भावुक आदमी है. स्टूडेंट्स, आशा है ये लेसन आप समझ गए होंगे. यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके. और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है. थैंक यू.